दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शिवजी एस्ट्रोलॉजी में। 19 मई ज्येष्ठ अमावस्या की रात घर में यहाँ जला दें एक दीपक, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, मिलेगा सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। दोस्तों साल 2023 की ज्येष्ठ अमावस्या इस बार 19 मई दिन शुक्रवार को है और इसी दिन शनि जयंती भी पड़ रही है, जिस कारण से इस ज्येष्ठ अमावस्या का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। दोस्तों इस बार की यह ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती एक साथ पड़ने से कई दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप इन जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ देते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत दंड पितृ दोष भी और महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु काल, मंगल दोष, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी और किस्मत में लग जाएंगे चार चांद, महालक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी और साथ ही कंगाल भी हो जाएंगे करोड़पति। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने फायदे हैं अमावस्या की रात्र को, आप किस प्रकार से अपने जीवन में दीपक जलाकर धनवान बन सकते हैं और माता लक्ष्मी जी को अपने घर बुला सकते हैं, कौन सी दिशा में दीपक जलाएं जिससे आप बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और अपने जीवन के सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, क्योंकि इसी दिन शनिदेव का भी जन्म हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या को शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसी दिन आप घर में यहाँ जला दें दीपक तो आपके पितृ करेंगे आपको माला माल, माँ लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना आपको जो दीपक जलाते हैं तो आप डेली जलाना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर में घर के जो मंदिर होता है उसमें डेली दीपक जलाना चाहिए। इसी से आपके घर में सभी जो निगेटिव एनर्जी होती है यानी नकारात्मक जो ऊर्जाएँ होती हैं वो निकलती हैं। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते घर के मंदिर में या फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप नहीं जलाते शाम के समय, तो घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, आपके घर में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक यानी कि जला देते हैं या फिर तेल का दीपक जला देते हैं घर में, तो उनके तो लाभ होते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जलाते उनके घर में हमेशा मुसीबत बनी रहती है, यानी एक मुसीबत निकलते ही दूसरी मुसीबत उससे पहले ही फंस जाते हैं उसमें और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती है उनके जीवन में, बहुत सारी परेशानियां होती है, तो वो बच्चे भी उनके खिलाफ हो जाते हैं और उनका कहना नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। इसी तरह से घर का पूरा माहौल दुखपूर्ण होने लगता है, काफ़ी लोग इन चीज़ों को मानते हैं लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते और भूल जाते हैं, उन्हें इन चीज़ों का होने वाले नुकसान के बारे में पता ही नहीं होता। इसलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना चाहिए अपने मुख्य दरवाजे पर, यह बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं जला सकते तो कोई व्यक्ति आपके बदले आपके घर में यह दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक आपको जलाना बहुत ज़रूरी है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, इससे आपके सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा के लिए बाहर चली जाएंगी। दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आप अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर जलाएं। ज्येष्ठ अमावस्या की रात्रि अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी जी स्वतः ही आपके घर में चली आएंगी। दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या की रात्रि अगर घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव धन अन्न से भर देती हैं। दोस्तों अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी सभी घरों में घूमने जाती हैं, इसलिए आप अपने घर पर जरूर दीपक जला के रखिए ताकि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पर हो। दोस्तों शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है, ऐसे में अगर आप घर के या फिर घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं अमावस्या की रात्रि को शाम के समय, तो निगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। जिस समय
यानी कि सूरज ढल जाता है उसी समय निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए मुख्य दरवाजे पर, आपके सभी कष्ट दूर होंगे और माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी ठीक नहीं होती, तो एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएँ बढ़ जाती है। तो जो परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, मुसीबतें हैं, उन्हें दूर करने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर जलाएं। सूरज ढलते ही आपको घी का दीपक या फिर तेल का दीपक, सरसों का तेल का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जला सकते हैं। रोजाना इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इससे लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं, कोई समस्याएं हैं, अगर ऐसी है तो बहुत ही ज़्यादा अगर हो रही है, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना, खासकर अगर आप ज्येष्ठ मास की अवस्या के दिन घी का दीपक अपने घर के उत्तर दिशा की तरफ जलाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको यानी कि लाभ होगा। इससे आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो उनको नौकरी मिलने लगती है और अपार धन की प्राप्ति होती है और वो व्यक्ति तरक्की कर जाता है, परेशानी से बाहर निकलता है। माता लक्ष्मी कृपा स्वतः ही उसके घर में बढ़ जाती है और माता लक्ष्मी स्थिर वास करती हैं। तो शाम के समय आपको अपने घर के उत्तर दिशा की तरफ ज्येष्ठ अमावस्या की रात को दीपक जला दें, बहुत लाभ होगा। सभी संकट और कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में नुकसान होता है या किसी की नज़र दोष परेशानियों का यानी कि मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं वो आपके घर में जब फैलती हैं तो इससे घर का एकदम से सुखमय जीवन व्यतीत होता है और माहौल शांतिपूर्ण हो जाता है। किसी का किया कराया दूर हो जाता है, जो पॉजिटिव एनर्जी है घर के सभी यानी लोग शांति से रहने लगते हैं और निगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो इसी प्रकार से यानी जैसे घी का दीपक जलाने से लाभ होता है, उसी प्रकार से तेल का दीपक भी जलाने से लाभ होता है। आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर होती है, क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं वो निगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शाम के समय अमावस्या की रात्रि को कभी भी आप यानी कि ना भूलें दीपक जलाने के लिए, जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हो पूरी होंगी। दोस्तों, हम अपने घर में पूजा घर में भी दीपक जरूर जलाते हैं, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या की रात अगर नहीं जलाते तो माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या की रात्रि जरूर अपने घर पर दीपक जलाएं। दोस्तों, अमावस्या की रात्रि पितरों को समर्पित है और माता लक्ष्मी को, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या जो है पितरों को मुक्ति दिलाने वाली भी है। इस दिन आप सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करके विधिवत इस दिन आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, पितरों के निमित्त एक लोटा जल दें, सूर्योदय को जल दें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें और शनिदेव की पूजा करें, क्योंकि शनि जयंती भी है तो शनिदेव की विधिवत पूजा करें। इस दिन शनिदेव को आप इस दिन काले तिल, सरसों का तेल वगैरह सब कुछ जलाएं यानी चढ़ाएं और एक सरसों का तेल का दीपक शाम के समय अगर शनि मंदिर है नज़दीक में तो वहाँ पर भी जला कर आ सकते हैं या फिर मुख्य दरवाजे पर सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, इस दिन पितरों से मुक्ति पाने के लिए आप ज्येष्ठ अमावस्या की रात्र में अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ आप एक दीपक ले लें, उसमें सरसों का तेल भर लें, लाल बाती लगा दें और फिर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की बाती का मुख करके उसे जला दें और ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, पितरों से भी मुक्ति मिल जाती है। घर के यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाना है। दोस्तों, इससे सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, एक दीपक आप अपने घर के बीच आंगन पर जरूर जलाइए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, माता लक्ष्मी कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, धन धान्य से आपका घर भर जाता है और जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये उपाय जरूर करिए, बहुत लाभकारी उपाय है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी।